भाई मेरे आपका सवाल है, खा भूल कर खा पी लेने से रोजा नहीं टूटता। जी हाँ, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं और ये सही बुखारी में 940 नंबर की रिवायत है। इदा नासिया फाकला व शारिबा, जब बंदा भूल के खा ले और पी ले, रोजेदार ने भूल कर खा पी लिया है, तो फल युतिम्मा सौमहु, अपने रोजे को पूरा करे, मतलब भूल कर खा पी लेने से रोजा नहीं टूटेगा। फइन्नमा अतअमहुल्लाहु वसकाहु, कि अल्लाह ने उसे खिलाया और अल्लाह ने ही उसे पिलाया है, तो भूल कर खा पी लेने से इस हदीस से मालूम हुआ कि रोजा नहीं टूटता। अगला सवाल है कि रमजान की रातों में नबी अलैहिस्सलाम ने तरावी की जमात पढ़ाई और फिर छोड़ दी। अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं, सुमना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम युसल्ली बिना हत्ता बाकिया सबउ मिन अश्शहरी फकाम बिना हत्ता ज़हब सुलुसुल लैली। नबी अलैहिस्सलाम के साथ हमने रोजे रखे, हमने आप सल्लम के साथ रोजे रखे, मतलब रमजान आ गया, हमने भी रोजा रखने शुरू कर दिए, नबी अलैहिस्सलाम ने भी रोजे रखना शुरू कर दिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज नहीं पढ़ाई यानी तरावी की जमात नहीं कराई, यहाँ तक के रमजानुल मुबारक के 7 दिन बाकी रह गए, तो फिर 23वीं की रात, 23वीं रात की एक तिहाई गुजर जाने पर नबी अलैहिस्सलाम ने हमें नमाज पढ़ाई, मतलब नमाज तरावी। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने 24वीं शब को नमाज तरावी नहीं पढ़ाई। फिर आप सल्लम ने 25वीं शब आधी गुजर जाने पर नमाज तरावी पढ़ाई। हमने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लम, क्या ही अच्छा हो अगर आप रमजान की बाकी रातों में भी हमें इस तरह पढ़ा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इमाम के फारिग होने तक इमाम के साथ कयाम किया यानी नमाज तरावी बाजमात अदा की, उसके लिए सारी रात के कयाम का सवाब लिखा जाएगा। फिर हजूर अलैहि सलाम ने हमें तरावी नहीं पढ़ाई, हत्ता के 3 रोज बाकी रह गए। चुनाचे आप सल्लम ने हमें तीसरी मरतबा 27वीं शब तरावी पढ़ाई, जिसमें हमने अपने अहलो अयाल को भी शामिल किया, यहाँ तक कि हमें सहरी के खत्म हो जाने का डर हुआ, हमें सहरी के खत्म हो जाने का डर हुआ। ये हदीस कहाँ पर है भाई? ये हदीस है आपका भला हो तिरमजी में। अलाम अल्बानी रहिमहुल्ला फरमाते हैं रिवायत सही है। हदीस नंबर है 646, 464। और इसी तरह कुछ रिवायात में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फर्जियत के डर से, कि कहीं ये नमाज फर्ज ना हो जाए, इसलिए दोबारा ये आइंदा नहीं पढ़ाई। कल के जुमे में मैंने बताया, अगर तरावी फर्ज करार दे दी जाती तो सहाबा की खुशी का कोई मकाम ना होता, सहाबा की खुशी का कोई मकाम ना होता, और अगर तरावी फर्ज हो जाती तो हम जैसे निकम्मों नलायकों के रोने का कोई मकाम ना होता। मतलब हम नऊज बिल्ला, जब फर्ज नमाजें ही नहीं पढ़ते हैं 5, तो तरावी कहाँ से पढ़ते हैं?